हम आपको बताते हैं कि एमएस पेंट में हम झंडा किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप एमएस पेंट ओपन कर लें, प्रोग्राम्स स्टार्ट में जाकर यहाँ पे क्लिक करें, एमएस पेंट में हैं। यहाँ पर आने के बाद उसके बाद आपने इस रेक्टेंगल पे ओएल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करके जितना भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है उतना आप इसको खींच लें। ये यहाँ पे हम अगर हमने लाइन की मोटाई कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये आपकी लाइन की मोटाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप आएंगे इसी पे, नीचे से यहाँ से आप एक बॉक्स खींचें, ये आपका ये बॉक्स पर ये यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पर आए लाइन पे, लाइन के आने के बाद आपने यहाँ पे लाइन खींचनी है, प्लस का निशान इस बॉक्स के यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करने से और यहाँ इधर ये खींच लें, ये हो गया। और यहाँ से क्लिक करके ये जी ओके गिलास। अब थोड़ी सी हमने डिज़ाइनिंग को और मज़ीद करनी है, यहाँ इस ऑप्शन पे यहाँ पे कर्व लाइन आया, यहाँ पे सेलेक्ट करके ये इधर ये यहाँ इसके साथ अटैच कर लें। एक बार इसको आप ऊपर की तरफ कर लें, ये यहाँ पे और नीचे इसकी तरफ, ये हो गया स्टाइल। और मज़ीद अगर और भी अगर आपने यहाँ पे डिज़ाइन डालने हैं तो यहाँ पे मज़ीद और भी आप यहाँ से डिज़ाइन वगैरह लगा सकते हैं। तो हमने अब इसमें कलर वगैरह डालने हैं, कलर कोई भी सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे कलर इंटर कर लें कोई भी, यहाँ पे कलर डिज़ाइनिंग और जी हो गया जी। आपका जो एक गिलास टाइप बन गया है, नीचे चाहे बेस आप इसकी और कलर की भी दे सकते हैं जो आपको कलर बेहतर लगे। आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे इसको लगा लें। अब हम इसके अंदर बनाना है प्याला, प्याला कैसे बनाएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम इसको ये प्याला कप टाइप हम इसे यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आकर आपने इसकी बेस बना लेनी है, बेस बनाने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हमें चाहिए रेज़र, यहाँ पे रेज़र पे जाएंगे, ये रेज़र आपका छोटा है, हमने रेज़र को थोड़ा बड़ा करना है, कंट्रोल और प्लस कर देंगे, ये हो गया आपका रेज़र बड़ा। अब यहाँ से आप इसको इधर से इधर तक आप इसको ये सेलेक्ट कर लें, जी हो गया जी। उसके बाद नीचे यहाँ से भी आप इसको ये सेलेक्ट कर लें, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने डालना है यहाँ पे कलर, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करें और इसके अंदर आप कलर इंटर कर लें, ये हो गया जी आपका एक कप टाइप, ठीक हो गया। कोई भी कलर इसमें आप डाल सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। और इसको भी उठा के आप यहाँ पे लगा लें, बैकग्राउंड पे अगर कलर डालना है यहाँ पे सेलेक्ट करें, कोई भी बैकग्राउंड पे आप कलर वगैरह इसमें सेलेक्ट करके यहाँ एंटर कर दें। अब ये हो गया आपकी गिलास और कप, ये बन गया। अगर फाइल को सेव करना है तो यहाँ फाइल पे जाएंगे और ये लिखा हुआ सेव, यहाँ पे सेव करें। और ये आपने किस फाइल में सेव करनी है, पीएनजी में बनानी है, टेफ में बनाना है, गिफ पे बनाना है, जेपीजी, तो हम इसको जेपीजी में ही सेव कर लेते हैं। ये फाइल हमारी कहाँ पे हो रही है, डेस्कटॉप पे से,
हम ये फाइल पिक्चर में सेव करते हैं। ये यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ कप के नाम पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सेव हो गया। अब जब भी मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे पिक्चर पे आऊँगा, पिक्चर जाने के बाद ये हमारी फाइल बन गई है, ये आपके पास पिक स्टैम्प आ गई है। इसी तरह आप पेंट में और अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ये हमारी बन गई है फाइल। अगर ये हम हमारी फाइल जो बनी है कप और गिलास, अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम फिर और वीडियोस के ऊपर बनाएंगे और फिर डालेंगे, देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं।